हाय फ्रेंड, कैसे हो आप? आप यू डूइंग ग्रेट माय फ्रेंड। आज आपको बताना चाहते हैं वैक्सीनेशन के बारे में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि डॉग को पहला वैक्सीनेशन कौन सा होता है और कब लगाना होता है। पहले से हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं, मैं आपको एक यहाँ पर इंटास कंपनी है इसका भी आपको एक मोटा सा मैं शेड्यूल बता दूँ। ये देखो, पहला वैक्सीनेशन 7-2 वीक के आसपास, फिर 8वें, फिर 10वें, ऐसा चलता है। लेकिन आपको मैं सिंपल भाषा बताने की कोशिश करता हूँ कि पहला जो इंजेक्शन लगता है, जिसको 7-in-1, 9-in-1 या 11-in-1 बोलते हैं, वो लगभग डॉग को 40 या 45 दिन के आसपास पहला लगता है। पहला लगने के साथ ही उसकी अगले वैक्सीनेशन बूस्टर की डेट डॉक्टर साहब फिक्स कर देते हैं। जैसे कि ये मेरे पास 3 कार्ड हैं और यहाँ पर 3 नन्हे पप्पी आराम कर रहे हैं। गर्मी बहुत है सर, ये ऐसे कैसे आराम कर रहे हैं? फ्लो ठंडा होता है ना, एसी चल रहा है, तो ये नीचे आकर ऐसे सोते हैं। तो ये पहला इंजेक्शन को लगा 8-3-2022, तो नेक्स्ट था 28, लेकिन सर ये थोड़े लेट हो गए। तो इस तरह लगभग 20वें दिन या कह लो मैक्सिमम 21वें दिन दूसरा वैक्सीनेशन रिपीट होता है, और ये आप कभी लेट नहीं कर सकते। हो सकता है एक दिन पहले लगा लो, लेकिन जो ड्यू डेट दी डाली गई है या नेक्स्ट वैक्सीनेशन की डेट डाली गई, इससे लेट नहीं आप हो सकते। और वैक्सीनेशन कैसे, वैक्सीनेशन हमेशा फ्रिज में होते हैं, एक मेंटेन टेम्परेचर होता है 2 से लेकर 8 डिग्री। आप उसको ऐसे नहीं कि किसी दुकान से खरीद कर लिफाफे में डालकर विदाउट आइस, स्पेशली गर्मियों में बिना बर्फ के आप इधर उधर लेकर नहीं जा सकते। ये ना हो कि वो ये नहीं है कि को 1 किलो कोई सब्जी है जो आपने लिफाफे में डाली और घुमाते हुए घर को आ गए, ऐसा कभी मत करिए। क्योंकि अगर उसका टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होता, आइडेंटिफाई करना या पहचानना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि इसका टेम्परेचर ऊपर नीचे हो चुका है। तो वहाँ फिर आपके डॉग का इंजेक्शन वगैरह का लोग फेलियर हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे केसेस में हम कहते हैं इंजेक्शन लगाने के बावजूद भी डॉग को ऐसी बीमारियां आ गई जिस बीमारियों से बचाने के लिए हमने वो इंजेक्शन लगाए थे, तो उसका केसेस में फिर कहते हैं कि इंजेक्शन फेल हो गया। इसको टेम्परेचर मेंटेन चेन कहते हैं, जो कि कंपनी जहाँ पर ये इंजेक्शन बनते हैं वहाँ से लेकर फिर जिस डीलर के पास आएंगे, फिर डॉक्टर साहब के पास आएंगे, और एंड में इंजेक्शन डॉग को इंजेक्शन करना है, वहाँ तक प्रॉपर एक टेम्परेचर मेंटेन कोलिंग चेन होती है, वो टूटनी नहीं चाहिए। तो हमेशा हर एक डॉक्टर हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखता है कि इसका डेट ऊपर नीचे ना हो, कौन सा इंजेक्शन लगाना है। वैसे ये कंपनी नोवीवैक है, लेकिन इनका सिंपल भाषा में जो नाम होता है, बहुत सारे फ्रेंड इसको 7-in-1 बोल देते हैं, लेकिन DHPPI सिंपल इसका एक कह लो साइंटिफिक नेम कह लो या जो डॉक्यूमेंट है, आप सर्च जरूर कीजिए DHPPI का वैक्सीनेशन शेड्यूल। आप गूगल पर भी सर्च करोगे, आपके सामने पूरा डाटा आ जाएगा कौन कौन सा इंजेक्शन कब लगाना होता है। पहले जो 2 इंजेक्शन होते हैं वो DHPPI के होते हैं। जो तीसरा इंजेक्शन लगता है अराउंड 85 डेज या 80 डेज पर, वो होता है एंटी रेबिस। जैसे हम कह लो कि डॉग के जो माउथ में जहर रेबिस होता है ना, उससे बचाने का, वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए होता है, क्योंकि 90 दिन के बाद डॉग के दांतों में कह लो, माउथ में कह लो, ये पूरा एक्टिव हो जाता है। तो 90% सभी डॉक्टर, सभी फ्रेंड्स ये इंजेक्शन 90 दिन से पहले ही लगाते हैं, 85 डेज पर कह लो, 88 डेज पर कह लो, 89 डेज पर, या मैक्सिमम कभी कभी 90 दिन पर, लेकिन 95 डेज पर जाकर लगाना वो थोड़ा सा डेलिकेट होता है, वो आप मत ही कीजो। पहले ही रेबिस आने से पहले ही आप लगा लोगे तो अच्छी एक प्रोटेक्शन हो जाएगी, क्योंकि घर में छोटे बच्चे और बूढ़े बुजुर्गों पर ये चीज़ ज़्यादा इंपैक्ट करती है, क्योंकि हमारे डॉग छोटे होते हैं, वो प्ले बाइट करते रहते हैं, उस समय डॉग को अगर स्क्रैच लग जाए, चाहे हमारी गलती से हम हाथ पीछे खींच लें, स्क्रैच लग जाए, तो फिर हम वो दिक्कत आ जाएगी, हमें फिर 2-3 इंजेक्शन 4 इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। तो एंटी रेबिस 90 डेज से पहले लगाना बहुत ज़रूरी है, और 90 डेज से पहले अगर आप किसी भी डॉगी का आपको दांत लगता है, आपको बी श्योर उसकी डेट ऑफ बर्थ मालूम हो, 90 डेज से पहले अगर किसी का जाने जाने डॉग का दांत आपको लग जाता है या घर में किसी को लग जाता है, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। घाव को जरूर अच्छी तरह साफ कीजिए, बाकी डॉक्टर साहब की गाइडलाइन को फॉलो कीजिए, लेकिन रेबिस नहीं होता 90 डेज से पहले। तो आइए इन दोस्तों वैक्सीनेशन आराम करें। शोला शोला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। अपने फेवरेट
सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स पर भोला शोला चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो करें। अपने दोस्तों पड़ोसियों पेट लवर्स के साथ हमारे वीडियोस और चैनल संबंधित जानकारी को साझा करें।